अभी आधा किला पूर्ण किला के हम हिस्सेदार हैं और आगे क्या हाल होने वाला है। और ये बहनों को लोन लेना पड़ रहा है, ये बदलती हुई भारत की तस्वीर का और इस हरियाणा की तस्वीर का एक नक्शा भी, कि आप लोगों को घर से निकल के बच्चों को कैसे पालना है उस तंत्र को मैं जानता हूं। कि बहनों को निकल के जो है आके लोन लेना पड़ रहा है और लोन की कोई भगवान ना करे किसी बहन के साथ तो ऐसी हो जाए और बैंक के लोग जाए कि भाई आपके किस्त से नहीं जमा हुई इसलिए रिकवरी आपके खिलाफ आई है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ मेरी बहनों को इतनी ताकत दे, इतनी शक्ति दे कि वो दिन ना बहनों को देखना। और मेरी बहनों, मैं यहाँ कहना चाहता हूँ चेयरमैन के तौर के ऊपर कि अपने कारोबार को बढ़ाओ। डेयरी के लिए आज ये तीन जगह मुझे बताया डीडीएम साहब ने कि हम तीन जगह 10-10 दिन का जो है वो बकरियों का हम ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं। वो 10-10 दिन का ट्रेनिंग सेंटर बनाओ आप जो है, क्योंकि बकरी से तो देश आजाद जो है महात्मा गांधी ने करा लिया था बकरी का दूध पी के। तो और अभी मैं एक पढ़ रहा था अखबार के अंदर, हरियाणा के अंदर 7.5 लाख भैंस कम हुई है और दूध का उत्पादन बढ़ गया। यानी हम क्या दूध पी रहे हैं, हमारे पास क्या आ रहा है दूध के नाम के ऊपर, ये भी चिंता का विषय है। कि पशुधन तो हमारा कम हो रहा है और दूध का प्रोडक्शन हमारा रिकॉर्ड के अंदर बढ़ रहा है, ऐसा कभी संभव हो सकता है? तो मैं आप लोगों से, क्योंकि महेंद्रगढ़ के पास बैठे हैं शहर के पास, जो मेरी यहाँ मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो पंचायत है उन पंचायतों को मैं कहना चाहूंगा भी चुनाव होने वाले हैं, वो हरियाणा की उस कमेटी का भी चुनाव कराने वाली कमेटी का भी मैं मेंबर हूँ 10 लोगों का, कि जब चुनाव हो जाते हैं तो पंचायतें अपनी जो जमीन वो 12,000 रुपए किले के ऊपर जो है उगाई पे अपने गांव को दे देती है, वो बजाय गांव को देने के लिए उसमें अपनी किसी के पास 5 एकड़ जमीन है, किसी के पास 7 एकड़ है, पंचायतों के पास वो 500 गज के प्लाट काट दे और अपने गांव के बेटों को दे दे वो, और 1,000-1,000 रुपए किराए पे दे दे। किराया भी मैं बता देता हूँ तो पंचायतों की आमदनी भी बढ़ जाएगी और उनके लिए वो शहर के नज़दीक होंगे तो उनको लिए वहाँ 500-500 गज में अपना शहर बनाना है, 4 दीवारी बनानी है, वहाँ भैंस पालन करना है, गाय पालन करना है, हम उनको लोन देने को तैयार, हम उनको पैसा देने को तैयार। यानी इस तरीके से हमको इंफ्रास्ट्रक्चर सारा हमको करना पड़ेगा इलाके का, तब जाके सरकारी नौकरियां कहीं ना लगी हैं। नेताओं के पीछे घूम लेते थे, कोई पर्ची पुर्ची कहीं मिल जाती थी, कोई नौकरी मिल जाती थी, अब बहनों नौकरी नहीं कहीं मिलने वाली। अब तो अपने आप ही पैरों पे खड़ा होकर अपने बच्चों को खड़ा करना पड़ेगा, अपने आप को खड़ा करना पड़ेगा, तब जाके हम अपने परिवार को चला पाएंगे, ये स्थिति आने वाली। इसलिए हमारी प्रदेश सरकार ने इस तरह की कौशल योजना है कि भाई अपने जो काम से जुड़े हुए रोजगार हैं उन रोजगार की ट्रेनिंग हम लोग देने का काम कर रहे हैं, हमारी सरकार देने का काम कर रही है। फैक्ट्रियों में वो ट्रेनिंग कराने का काम कर रहे हैं, उनको वजीफा भी सरकार दे रही है, उनकी ट्रेनिंग का खर्चा 8,000-10,000 रुपए कि वहाँ से ट्रेनिंग ले लो, यदि उनके लायक होंगे तो वही कंपनी वाले रोजगार दे देंगे, नहीं तो कहीं दूसरी जगह रोजगार मिल जाएगा। आपके पास हाथ में कला होगी तो आपको काम मिलेगा, बिना कला वाले को जो है अनस्किल्ड लेबर को कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए ये बहुत ऐसा विषय और मैं यहाँ आया हूँ तो इसलिए मैं मजबूती से सारी बातों को करूँगा। रिकवरी की रेट हमारी बहुत कम है, अभी मैं जीएम साहब ने मुझे कागज पकड़ाया कि हमारा जो है एनपीएस 0 है, तो मैंने कहा कि जो आंकड़े की बाजीगरी हम लोग सुनते हैं कि आंकड़े की बाजीगरी कर रखी है क्या इसमें जीएम साहब आपने, मैंने कहा जीएम साहब ऐसा तो मैंने कहा कोई सीबी मैंने देखा नहीं कि जहाँ इन्होंने कहा नहीं नहीं हमने रिकवरी ये वो इन्होंने मुझे सफाई दी मुझे, मैं पर इनकी सफाई से सहमत नहीं था। तो मैंने कहा कि आप मुझे एडजेक्ट बताओ कि इन्होंने अपने भाषण में कहा कि अभी 8-10 करोड़ रुपया का हमारा एनपीएफ खड़ा हुआ है। मजबूरियाँ हैं लोगों की, मजबूरियाँ हैं पैसा नहीं देने के लिए, हम समझते हैं सारी चीज़ों को। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम भी लेके हम जल्दी से आ रहे हैं, जिनकी मजबूरियां हैं उन मजबूरियों को भी समझेंगे, लेकिन जिनकी मजबूरियां नहीं है कुछ सबका ऐसा भी है कि जानबूझ के बैंक का ले लिया और बिना लौटाए काम चल रहा है तो कौन लौटाएंगे, तो उनके ऊपर थोड़ा शिकंजा कसना पड़ेगा, हमको बार बार जाना पड़ेगा। मैं एक आपको जो है वहां से एक वो भी जो है एक परफॉर्मा बना के कर रहा हूं कि जो आप 3 साल में जो उनसे जो है इतना आउटस्टैंडिंग है उनको बार बार वो करने के लिए एक परफॉर्मा मैं तैयार करा रहा हूं, वो भी सब सीबी को मैं भिजवाने वाला हूं। तो ये बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी योजनाएं इतनी सारी हैं कि आप लोग मजबूती के साथ, जैसे बहन का बता रहे थे कि उषा बहन जी की सब तारीफ कर रहे थे, तो मैं तो ये चाहूंगा कि मेरी सब बहनों की तारीफ इसी तरीके से हो जैसे यहाँ भोजावास की हमारी उषा बहन की हम लोग तारीफ कर रहे थे। क्यों नहीं कर सकते, अपना छोटा मोटा काम हम करके 4 बहन है, क्यों एक एक भैंसी 50,000 का लोन लेंगे, आप क्यों नहीं 4-4 भैंस लेके 16 भैंस को लेके 4 बहनें मिलकर कर सकती डेयरी बना के, एक आध किसी को रोजगार अपने परिवार में बच्चा होगा उसको वहां पर रख लो, आप क्यों नहीं कर सकते। हम गाय की डेयरी बनानी है, गाय का दूध जो है और ज़्यादा आजकल डिमांड है गाय के दूध की, गाय के दूध को क्यों नहीं कर सकते हम, घर के घर से दूध चला जाता है। और बहुत सारे ऐसे रोजगार है, अभी एक सरकार की स्कीम आई है हरित ब्रांड, वो हमारी हरियाणा सरकार ने करी है, वो हरित ब्रांड के 2,000 सेंटर खुलने वाले, 2,000 दुकानें खुलने वाली,
मैं उसमें बात करने वाला हूं सरकार से कि हमारे तो पैक्स ही 730 से 730 दुकान तो हम ही खोल देंगे तुम्हारी, हमें ही दे दो ये 730, हम पैसा भी लगा देंगे और 730 दुकान हमारे पैक्स में खोल देंगे ताकि हमारे पैक्स के अंदर जो हमारी ये बहनें बना रही हैं, मुझे बताया कि जो कुछ भी प्रोडक्ट हैं हमारी बहनों के, वो प्रोडक्ट वहाँ आके खरीद की शॉप के ऊपर जो आएंगे वो तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन हमारे ये जो प्रोडक्ट हमारे जो लोनी लोग बना रहे हैं इस प्रोडक्ट को भी हम वहाँ से सेल करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे पैक्स मजबूत होंगे, क्योंकि हमको पैक्स को मजबूत करना पड़ेगा तभी उसकी इकोनॉमी को करना पड़ेगा, उसकी योजना भी हमें बनानी पड़ेगी। एआर साहब बैठे हुए हैं, एआर साहब की इसके अंदर बड़ी भूमिका हो सकती है और एआर साहब बड़े डायनामिक है, मैंने इतनी थोड़ी देर के अंदर इनको जज किया और डायनामिक लोग जो है चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं, तो इसी आशा और विश्वास के साथ कि सब हम लोग मिलकर एक टीम के तौर पर काम करेंगे तो मैं नहीं मानता कि महेंद्रगढ़ जिला, क्योंकि महेंद्रगढ़ जिले का बहुत छोटे स्तर के ऊपर अभी महेंद्रगढ़ जिला है, तो इसको हम जल्दी, क्योंकि मैं एक दो पायलट प्रोजेक्ट लेके आ रहा हूँ और वो पायलट प्रोजेक्ट जो मैं बात कर रहा हूँ वो महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी दो ही जिले से लेके आ रहा हूँ कि दो जिलों से जो हमारे पैक्स के जो पायलट प्रोजेक्ट लेके आएंगे और यहाँ का जो हमारा रिजल्ट होगा वो हम उसके बाद बाकी पूरे प्रदेश के सीबी के अंदर लेके जाएंगे, पहले हम अपने इन दो जिलों के पैक्स को खड़ा करके पूरे प्रदेश को दिखाएंगे, सरकार को दिखाएंगे कि हमारे पास विल पावर मजबूत हो, हमारे पास कुछ करने की ताकत हो, हमारे पास आप जैसी डायनामिक टीम हो तो हम सब कुछ बदल सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, हमें अपने मनोबल को मजबूत करना पड़ेगा, अपने आप को इस बात के लिए मन से तैयार करना पड़ेगा कि जब बाकी लोग व्यापारी लोग अपना व्यापार मुनाफा कमा सकते हैं तो अपने पैक्स के घाटे को क्यों नहीं कम कर सकते, इनको हम प्रॉफिट में क्यों नहीं ला सकते, इसी आशा और विश्वास के साथ सब हम एक जो है मैं और यहाँ पर, क्योंकि वो विषय तो बोर्ड का है, बोर्ड के भी यहाँ सारे मेंबर हैं, मैं बोर्ड के मेंबरों से भी निवेदन करूंगा कि इस बार जब भी बोर्ड की मीटिंग हो उस बोर्ड की मीटिंग में जितनी बहनों को आप लोगों ने लोन दिया है उन सब बहनों का जो है एक्सीडेंटल बीमा होना चाहिए बैंक की तरफ से, उसको आप प्रस्ताव को बोर्ड में लेके आएंगे और सारे लोग इस बोर्ड को से प्रस्ताव से करेंगे और इसमें भी हरियाणा में आपका महेंद्रगढ़ बोर्ड जो है वो पहले नंबर पर रहेगा, भाई सबसे पहले महेंद्रगढ़ ने ये किया है, मैं बाकी हरियाणा में उसके बाद शुरू कराऊंगा इसको, मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि यहाँ बोर्ड के चेयरमैन भी खड़े हैं, वाइस चेयरमैन भी हैं, बोर्ड के मेंबर भी हैं, ये एक्सीडेंटल बीमा को जो है अभी ये जब जिस दिन भी आपकी बोर्ड की बैठक होगी उसमें इसको लाके बोर्ड में और इसको मंजूर करेंगे, सबको मेरा बहुत बहुत सबको नमस्कार, मेरी बहनों को विशेष तौर पर नमस्कार, आप लोगों ने आज ये चेक मिला है इसका सदुपयोग करेंगे और ये कई गुना अपनी मेहनत से इसको इकट्ठा करके अपनी मेहनत से खड़ा करेंगे और कमाई आप निश्चित तौर पर भगवान आपके साथ है, जब शुद्ध मन से कोई काम करते हैं मैं इस बात को मानता हूँ कि जब हमारा मन शुद्ध होता है तो ईश्वर भी हमारे साथ होता है, निश्चित तौर पर बहुत अच्छा सबका कारोबार चलेगा, इसी आशा और विश्वास के साथ सबको मेरा नमस्कार, भारत माता की जय। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।